नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के खनिज पदार्थ के बारे में बात करेंगे। हरियाणा में कौन कौन से खनिज कहां पर हैं? खनिज पदार्थ, सबसे पहले बात करें हीलना पत्थर, यह चरखी दादरी में रहेगा, यह रहेगा चरखी दादरी में। एक गांव है कल्याणा गांव, कल्याणा गांव में रहेगा जो हीलना पत्थर है। यह चरखी दादरी में कल्याणा गांव में रहेगा। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है हीलना पत्थर, और हरियाणा में भी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें सलेट पत्थर, यह जो सलेट पत्थर है यह रेवाड़ी जिले में, यह रेवाड़ी जिले में कुंड तहसील में, रेवाड़ी जिला रहेगा, कुंड तहसील रहेगा, सिलेट पत्थर, ठीक है। उसके बाद बात करें टंगस्टन, टंगस्टन यह भिवाड़ी में रहेगा, जो ये टंगस्टन है यह भिवाड़ी में रहेगा। उसके बाद बात करें चिन्नी मिट्टी, एक है चिन्नी मिट्टी, चिन्नी मिट्टी यह गुड़गांव में रहेगी, गुड़गांव, ठीक है। हीलना पत्थर रहेगा चरखी दादरी कल्याणा में, सलेट पत्थर रहेगा रेवाड़ी जिला कुंड तहसील में, टंगस्टन रहेगा भिवाड़ी में, चिन्नी मिट्टी रहेगी गुड़गांव में। उसके बाद बात करें एक तो है बजरी, यह फरीदाबाद में रहेगी, फरीदाबाद यह फरीदाबाद में बजरी। एक है अभ्रंक, यह नारनौल में, यह नारनौल में महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है। एक रहेगा तांबा, तांबा रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में, नारनौल महेंद्रगढ़। बजरी रहेगी फरीदाबाद में, अभ्रंक रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में, तांबा रहेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। एक है एस बेट्स, एस बेट्स जो ये एस बेट्स है यह भी महेंद्रगढ़ में रहेगा, ठीक है। यह खनिज ऐसा खनिज है जो जलता नहीं है, जलता नहीं है ये, ठीक है, जो एस बेट्स है। उसके बाद बात करें रवेदार चुन्ना, एक है रवेदार चुन्ना, रवेदार चुन्ना जो रवेदार चुन्ना है यह अंबाला में रहेगा, ठीक है, यह अंबाला में रहेगा रवेदार चुन्ना। और एक है वेराइट, एक है वेराइट, वेराइट यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है। ये जो वेराइट है यह भी नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा, रवेदार चुन्ना अंबाला में रहेगा। उसके बाद बात करें सोरा, एक है सोरा, यह सोरा यह रहेगा हिसार और करनाल में, जो सोरा है यह रहेगा हिसार और करनाल में। अगर एक है मैग्नीज, मैग्नीज यह रहेगा महेंद्रगढ़ में, ठीक है। मैग्नीज और कच्चा लोहा, एक कच्चा लोहा, कच्चा लोहा यह भी महेंद्रगढ़ में रहेगा, ठीक है। कच्चा लोहा और मैग्नीज भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। और एक है संगमरमर, संगमरमर जो संगमरमर है यह भी महेंद्रगढ़ में रहेगा। देखो महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है, जो महेंद्रगढ़ है
इसको खनिजों का शहर कहा जाता है। सबसे ज्यादा हरियाणा में खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। वैसे तो खनिज हरियाणा में नाम मात्र के हैं, परंतु ज्यादातर खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं हरियाणा में। उसके बाद एक आता है, उसके बाद आता है जिप्सम। यह हरियाणा के हिसार, अंबाला, जींद और भिवानी, यहाँ पर रहेगा यह जिप्सम। यह जिप्सम रहेगा हिसार, अंबाला, जींद और भिवानी। उसके बाद बात करते हैं शिवालिक पर्वत। यह जो शिवालिक पर्वत है, यह हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है, और यह कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में, यमुनानगर में और अम्बाला में। यह शिवालिक पर्वत है, यह उत्तरी पूर्वी भाग में है, और पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला में यह रहेगा। और यह वलित पर्वत है, और यहाँ पर खनिज कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम मात्रा में। शिवालिक पर्वत जो उत्तरी पूर्वी भाग है, वहाँ पर कम मात्रा में खनिज मिलता है। उसके बाद बात करें अरावली पर्वत, तो यह हरियाणा के दक्षिण भाग में है, यहाँ पर अधिक मिलता है, अधिक खनिज, यहाँ पर अधिक खनिज प्राप्त होता है। और यह अरावली जो पर्वत है, यह हरियाणा के 21 जिलों में दक्षिण में है, एक तो गुड़गांव, एक फरीदाबाद और एक महेंद्रगढ़ और एक मेवात, ठीक है, और एक रेवाड़ी। यहाँ पर ये अरावली पर्वत दक्षिण में अधिक खनिज मिलता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो खनिज का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। और यदि आपको कोई खनिज पढ़ा हुआ ना हो, तो आपको यदि निशान लगाना हो तो महेंद्रगढ़ पर लगाना, क्योंकि खनिजों का जो शहर है वह महेंद्रगढ़ है, तो आपको खनिजों पर महेंद्रगढ़ पर निशान लगाना है। इसमें 90% क्वेश्चन ठीक होगा आपका महेंद्रगढ़ में, क्योंकि ज़्यादातर खनिज महेंद्रगढ़ में है। तो आपने पूरी क्लास पढ़ी मेरी, उसमें सारे खनिज करवाए हुए हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि जो हीलना पत्थर कहाँ पर रहेगा, ठीक है। और एक आपको बजरी बताना है, बजरी, यह दो क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं कहाँ पर रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद।